दोस्तों फोन पे में आपको क्या आपको भी इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नो अकाउंट फाउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या आपको भी इसी तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है? तो किस तरह से आपको ये ऑप्शन को यानी इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक कर रहा हूँ, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पे मैं लिंक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है नॉट अकाउंट फाउंड। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है नॉट अकाउंट फाउंड, इसी के कारण यहाँ पे बैंक मेरा लिंक नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको क्या है, इस वीडियो में आपको सारा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करना है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक आपको देखते रहना है, तभी आपको ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। जैसे कि मैं दूसरा बैंक को लिंक कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक को लिंक करता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक को भी लिंक करता हूँ, तो इसी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है मैं इस वीडियो में सारा डिटेल जानकारी दूंगा। तो फोनपे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो चलिए मैं पहले एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक को ओपन करना है, एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें आपको वीडियो केवाईसी करना होगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एयरटेल थैंक्स को ओपन कर लेना, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, उसके बाद वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपग्रेड योर अकाउंट, अपग्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है और केवाईसी आपको कर लेना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर मैं इंटर कर दिया, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर में आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए मैं OTP को इंटर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे OTP वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपको OTP डाल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है योर सर्वर सर्विस आर टेम्पररी अनेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर सम टाइम। यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है मेरा में, उसके बाद यहाँ पे नहीं हो रहा है, आगे का प्रोसेस यहाँ से नहीं बढ़ रहा। तो इस फिर भी आपका KYC नहीं हो पाता है, अगर आप वीडियो KYC किए हैं फिर भी आपको KYC नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, दुकान पे जाना है, एयरटेल शॉप पे जाना है, एयरटेल जहाँ पे एयरटेल का रिचार्ज करता है, एयरटेल मोबाइल जो रिचार्ज करता है KYC करता है, एयरटेल पेमेंट वाले दुकान पे जाना है, वहाँ पे बोलना है, पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, वहाँ पे आपको KYC कर देगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। फिर आपको फ़ोनपे में यहाँ से आपको फ़ोनपे में लिंक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फिर आपको यहाँ से लिंक कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि पेमेंट बैंक यहाँ से फिर लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुल KYC होने के बाद आपको जो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल रहा है नॉट अकाउंट फाउंड, ये आपको प्रॉब्लम देखने को फिर आपको नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से आप जा करके दुकान में जा करके आप वहाँ से करवा सकते हैं KYC। तो आई होप गाइस वीडियो समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू कॉल के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।